Thanks. I love you. I love you. And first you end. हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का एडिटिंग सीखने वाले हैं। प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। तो इस तरीके का ट्रेनिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में लाइट मोशन एप्लीकेशन से, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ के डेली अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर आपको ये जो लाइट मोशन एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इसमें चले जाना। उसके बाद यहाँ पर ये जो सॉन्ग की जो बीट मार्क वाली प्रोजेक्ट होगी, यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको मेरे मटेरियल्स डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो वाली जो वीडियो होगी हाउ टू डाउनलोड माई मटेरियल्स, उसकी भी लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि कैसे आप मेरे मटेरियल्स लोगों को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है, जो सॉन्ग में जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पर आपको अलग से जो टेक्स्ट है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको सिंपली, यहाँ पर जैसे ही ये टेक्स्ट फिनिश हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर देना है। जिस भी किसी फ़ोटोज़ का आपको वीडियो बनाना होगा, यहाँ पर आपको बीट मार्क्स शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ी वाली फ़ोटो है जो वो ऑलरेडी एडेड है, और इसमें ये जो ग्रीन स्क्रीन वाली इफेक्ट है वो भी एडेड है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आके वीडियो में बताऊँगी कि इससे आप ये वाली जो फ़ोटो है इसमें अपनी फ़ोटो को लगा सकते हो, इसीलिए वीडियो विदाउट स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर पहले तो हम ये जो बीट मार्क्स है वहाँ पर आ जाते हैं और कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट बीट मार्क के पास आ जाना है, प्लस पे चले जाना है मीडिया में, और यहाँ पर देखिए जिस भी किसी फ़ोटोज़ का आपको वीडियो बनाना होगा उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बीट मार्क पे आ जाइए, और जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसे यहाँ पर पोर्टफोलियो ऑप्शन पे क्लिक कर ट्रिम कर देते हैं। अगर आपकी फ़ोटो ये जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी, तो यहाँ पर थ्री डॉट्स पे चले जाइए और फिर कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपको कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है। मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर ली हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। अभी इन फ़ोटोज़ में शेक वाली इफेक्ट लगाने के लिए आपको सिंपली बैक चले जाना, और ये जो शेक वाली प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर लिंक मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली शेक इफेक्ट है इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो वाली जो फर्स्ट वाली शेक इफेक्ट है इसे कॉपी करने के लिए फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पे जाइए, थ्री डॉट पे और कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक चले जाना, और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए जो हमने अभी फ़ोटोज़ ऐड किए थे वो वाली फ़ोटो के पास आ जाना है। वहाँ पर आने के बाद ये फर्स्ट वाली जो फ़ोटो होगी इस पर क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पे जाइए, थ्री डॉट पे और पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो छोड़कर दूसरी वाली जो फ़ोटो होगी उसमें जो फर्स्ट वाली शेक इफेक्ट है उसे आपको लगा देना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर फोटो पे क्लिक कर देनी है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे और पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली देखिए मिडिल में एक फ़ोटो है वो रह गई है, तो उसमें हम एक अलग शेक इफेक्ट लगा देंगे। उसके लिए बैक चले जाइए शेक वाले प्रोजेक्ट में, जो सेकेंड वाली शेक इफेक्ट है इसे आपको कॉपी कर लेना है, फ़ोटो पे क्लिक कर देनी, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे और कॉपी इफेक्ट्स कर लेना। उसके बाद यहाँ पर बैक चले जाना, और अभी जो वीडियो बना रहे थे उसमें यहाँ पर मिडिल में जो फ़ोटो है उसमें हम ये वाली जो सेकेंड वाली शेक इफेक्ट है उसे लगा देते हैं। उसके लिए यहाँ पर सिंपली फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिए, इफेक्ट्स पे जाइए, थ्री डॉट पे और पेस्ट कर दीजिए ये वाली इफेक्ट को, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए जो बड़ी वाली फ़ोटो थी उसमें अपनी फ़ोटोज़ चेंज करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जो फ़ोटो होगी आपकी इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कलर एंड फिल्स मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो होगा उसका यहाँ पर नाम शो हो जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर जिस भी किसी फ़ोटो को आपको ऐड करना होगा वो वाली जो फ़ोटो होगी उसे सेलेक्ट कर कर यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फ़ोटो होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर एक छोटी वाली भी फ़ोटो है उसमें भी आपको सेम प्रोसेस कर देना है, इस फोटो पे क्लिक कर देना है, कलर एंड फिल्स पे चले जाना है, ये इमेज का नाम शो हो जाएगा और आपको वही वाली जो सेम फ़ोटो हमने अभी सेलेक्ट किया था उसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है बन के तैयार हो चुके हैं, मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में लाइट मोशन एप्लीकेशन से तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।